नमस्कार साथियों, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एक बड़ी वैकेंसी स्टाफ नर्स की आने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के द्वारा जारी किया गया है। अब साथियों, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये वैकेंसी जहाँ तक है जल्दी ही आने वाली है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी विचार कर सकती है कि इस वैकेंसी को नोटसेट के थ्रू कम्प्लीट किया जाए, कहीं ना कहीं ये होने वाला साथियों। इसके अभी हाल ही में कई स्कूल हैं वो खुले हैं ट्राइबल जो कम्युनिटी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, तो उसमें एक पूरा जो रिक्रूटमेंट है, पूरे जो पोस्ट हैं प्रिंसिपल से लेकर स्वीपर तक, यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट रूल बनाए गए हैं साथियों। अभी रूल बने हैं, अब ये वैकेंसी कब आएगी, धरातल पर कब उतरेगी किसको पता है, लेकिन वैकेंसी आई है स्टाफ नर्स की। ये साथियों अपने लिए बड़ी खुशखबरी है, परमानेंट ये वैकेंसी होने वाली है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर आपको लेवल 5th में रखा गया है, अब उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ये साथियों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टाफ नर्स के जो टोटल पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं 740 जो पोस्ट हैं वो टोटल रखी गई हैं, जो कि आप सभी जानते हैं एक EMRS के अंदर एक पोस्ट है, तो टोटल जो हैं वो 740 साथियों हैं। अब यहाँ पर लेवल 5th में आपको रखा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आप कहोगे कि हम तो लेवल 7th में आते हैं, तो यहाँ पर फिर लेवल 5 क्यों रखा गया है, ये आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न होगा। एक कन्फ्यूज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ पे हम ग्रुप सी में क्यों हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर ये वैकेंसी होती तो हम ग्रुप बी में आते। अब देखिए साथियों, यहाँ पर आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, या यूँ कहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर साथियों बहुत से डिपार्टमेंट हैं जो काम करते हैं, और सभी डिपार्टमेंट एक रूल पर काम करते हैं। तो अपना जो डिपार्टमेंट है, जो कि अपना हेल्थ एंड एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, उसके अंदर लेवल 7 में अपन जाते हैं, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है साथियों ये अलग डिपार्टमेंट है, तो इसने अपने नए रूल्स बनाए हैं ये जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए। तो यहाँ पर इन्होंने हमें इस प्रकार क्लासिफाई किया है, हालांकि यदि इसमें कुछ भी चेंजेस होगा तो वह अपडेट मिल जाएगी, लेकिन ये लेवल 5 और ग्रुप सी है, ये अभी के लिए इन्होंने जो रूल्स बनाए हैं उसके अंतर्गत इसको रखा गया है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो 35 ईयर रखी गई है, जबकि अगर आप एम्स में देखेंगे तो 30 ईयर आपको वहाँ पर देखने को मिलता है, तो एज जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा दिया गया है। SC ST कैटेगरी जो कैंडिडेट हैं उनको तो एक्स्ट्रा वैसे भी मिलता ही है। BSc ऑनर्स अगर आपने कर रखा है, या फिर सिंपल BSc भी अगर आपने कर रखा है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखा है, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये थर्ड पॉइंट में साथियों ये मांगा है कि 2.5 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 हॉस्पिटल आफ्टर, जो आपको ऊपर क्वालिफिकेशंस दी गई है उसके बाद में। इसका मतलब ये हुआ कि सभी, चाहे आपने BSc नर्सिंग कर रखा है, चाहे आपने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखा है, सभी कैंडिडेट के लिए 2.5 ईयर एक्सपीरियंस कंपलसरी है। अब इतना बड़ा एक्सपीरियंस मांगने के बाद भी इन्होंने लेवल 5th में और ग्रुप सी में रखा है, तो इसके खिलाफ़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी आवाज़ तो उठनी ही चाहिए। अब देखिए साथियों, प्रोवेशन 2 साल का होता है, आप सभी जानते हैं GNM वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। चलिए साथियों, अब डिस्कस कर लेते हैं CHO की वैकेंसी की अपडेट को लेकर। ये नोटिफिकेशन साथियों आप देख पा रहे हैं, झारखंड NHM के द्वारा CHO की जो वैकेंसी है वो निकाली गई हैं, जिसके अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी साथियों काफ़ी बड़ी पोस्ट पे निकाली गई हैं, छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है। आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो वो भी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए साथियों, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सारी जो बातें हैं वो आपके सामने हैं। CHO की जो भी वैकेंसी आती है वो कॉन्ट्रेक्चुअल आती है, परमानेंट वैकेंसी अभी ऑल इंडिया लेवल पर आनी स्टार्ट नहीं हुई है। अब यहाँ पर साथियों जो टोटल वैकेंसी निकाली गई हैं 1400 निकाली गई हैं, उसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 560 हैं, इसके अलावा EWS के लिए 140 हैं, ST के लिए 364 हैं, SC के लिए 140 हैं, BC 112 हैं, और BC जो सेकेंड है उनके लिए 84 जो पोस्ट वो रखी गई है। हालांकि इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने CCHN कोर्स कर रखा है, इसके अलावा अदर कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिलेक्शन साथियों आपका रिटर्न एग्ज़ाम के थ्रू नहीं होने वाला है, यहाँ पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। सैलरी महीने वाले दिन आपको 25,000 मिलने वाली है, इसके अलावा जो 15,000 जो आपको मिलने वाला है अलाउंस वगैरह, वो सारा इसके अंदर मिलने वाला है, जो कि आपको परफॉर्मेंस बेस्ड जो इंसेंटिव मिलता है वो साथियों मिलने वाला है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर आप अपनी देख लीजिएगा साथियों। इसके अलावा जो
कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं, जो सिलेक्शन प्रोसेस रखी गई है कि आपको यहाँ पर जो अपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग में जो नंबर लिए हैं उसके आधार पर मिनिमम कट ऑफ नंबर अगर आपके इतने हैं तो आप यहाँ पर क्वालिफाई होंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके सिलेक्शन करवा दिया जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, ये सारी इंफॉर्मेशन थी। 8 जुलाई तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। डिटेल है वो आप झारखंड.गवर्नमेंट.इन के ऊपर जाके एनएचएम की साइट पर देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों।